रेल प्रशासन 10 मार्च को होली पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इन होली स्पेशल ट्रेनों में जनरल टिकट पर भी सफर करने की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के समय से अब तक एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा बंद पड़ी है और जनरल कोचों में आरक्षण कराकर सफर किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड ने एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में जनरल टिकट पर सफर शुरू करने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत रेलवे ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा कराने की सुविधा शुरू कर दी है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह का कहना है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनमें बुकिंग और आवश्यकता अनुसार प्रबंध कराए जा रहे हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। डिवीजन में यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। होली पे विभिन्न डिवीजन से जहाँ से प्राइमरी ट्रेनें चलती हैं, जहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे जगहों से एक्स्ट्रा कोचे जो उस ट्रेनों में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, तो हम लोग डिमांड देख रहे हैं। जैसे जैसे वेटिंग आ रही है या जिस ट्रेन में भी ऐसी सिचुएशन हो रही कि वो पैसेंजर बुकिंग नहीं करा पा रहा है, तो हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे भी ज़रूरत होगी तो उसी हिसाब से हम लोग एक्स्ट्रा कोच लगवाएंगे। एक्स्ट्रा ट्रेनें कुछ चलेंगी, हमारे डिवीज़न से कम एक्स्ट्रा ट्रेनें चलेंगी क्योंकि रन थ्रू का डिवीज़न है, तो मैक्सिमम दिल्ली से जो होकर ट्रेनें आएंगी वो हमारे यहाँ स्टॉपेज रहेगा उनका, तो हमारे डिवीज़न में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी। ट्रेनें तो मैक्सिमम हमारी रिस्टोर हो चुकी हैं, और लेकिन अभी पैसेंजर का फुटफॉल जो है वो अपेक्षाकृत तो पूर्व कोविड का भी नहीं हो पाया है, अभी काफ़ी कम है उससे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, लोगों को लग रहा है कि सेफ्टी के साथ है या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी सारे काम किए जा सकते हैं, ये केवल इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में रेलवे सहयोग भी कर रही है, सारी ट्रेनें रिस्टोर भी हम लोग हो गई है रेलवे बोर्ड के माध्यम से या जो जोन के माध्यम से, तो सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है।